अलग अलग तरह की नौकरियाँ, अलग अलग तरह की शिफ्ट, अलग अलग तरह का रहन सहन. वेलकम टू द कॉरपोरेट वर्ल्ड. हमेशा ऐसी है कि हर हर एक इंसान को जानती है ऑफिस में. मतलब तुम रहा चलते 10 लोगों में, 10 लोग दिखेंगे उसमें से 9 को पक्का ये हाय हेलो क्या हाल चाल है. जहाँ भी वो जाती है हमारी जोड़ी को जय वीरू जोड़ी नाम दे दिया गया है. छोटा सा छोटी सी आशा, हमेशा आपके अंदर एक छोटा बच्चा है जिसे आपको जीवित रखना चाहिए. बहुत हिंदी होगी. मैं बोल रही हूँ हेलो दोस्तों. हाय, चलिए मैं हूँ निमिषा, बातें करते हैं. चलिए आइए बातें करते हैं विद निमिषा. पूरा मैसअप कर दिया है. नमस्ते, स्वागत है आप सभी का. चलिए बातें करते हैं विद निमिषा में. जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ऑफिस में हैं. हमारा ऑफिस है, बहुत प्यारा मौसम है, तो थोड़ा सा ऑफिस दिखा देते हैं आपको. और ये टेरेस है. पुणे का वेदर आप देखिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम सन किस्ड फील आ रही है. सन किस्ड फील. और एक बार अगर बैक कैमरे से तो अपना आउटफिट दिखा दें. दिस इज माय आउटफिट फॉर द डे. मैं चप्पल भी पहनी हुई है. तो ऑफिस में ना हम लोग सिर्फ फॉर्मल्स पहनते हैं और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है. और अभी शाम का वक्त है, काम वाम सब खत्म कर लिया है. छुट्टी होने से पहले आप ऐसे जो हवा आज हमारी दुश्मन भी हो गई है, दोस्त भी हो गई है. और ये रहते क्या है, मेरी मेरी कॉलीग. इसका भी आपको आउटफिट दिखा देते हैं. और ये बिल्कुल ही फालतू सा ऐसा ब्लॉग है. आइए इसका आउटफिट देखिए. व्हाट आर यू वेयरिंग? आई एम वेयरिंग लैवेंडर पैंट्स एंड वाइट स्वेटर बिकॉज़ मुझे लगा सुबह सर्दी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत मौसम अच्छा है. आप देखिए हमें पंखों वंखों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऐसे ही बाल उड़ रहे हैं. बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची. तो ऑफिस तो हमारा दिखाना अलाउड नहीं है. और यहाँ थोड़ा क्लोजअप कर लेते हैं. ये आप देख सकते हैं ये टेरेस है. यहाँ पे ये पूरा खाने की जगह है और ऊपर स्विमिंग पूल, बहुत सारी चीज़ें. चलिए अब वो देखते हैं. कुछ बोलो. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे टेरेस पर आए. अभी हम ऊपर जाके देखेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखेगा आपको. स्विमिंग पूल है, बड़े बड़े चेस खेलने वाली चीज़ें हैं, पूरी कॉर्पोरेट वाइब है एक्चुअली देखा जाए तो. बट कॉर्पोरेट वाइब के साथ साथ क्योंकि आपको फील हो कि आप नेचर के करीब हो, इसीलिए यहाँ पे गार्डन एंड जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, गार्डन फूल पत्ते जो लगते हैं आर्टिफिशियल बट है रियल. सो आइए चलते हैं, देखते हैं वो सब. आज की ब्लॉग की होस्ट तो तुम ही हो यार. क्या सही से बोल, हम दोनों का है. तो यहाँ कहीं भी जो ऐसे आई कार्ड दिखाना पड़ता है हर कोई. मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सब दोस्त लोग हैं, सब आओ मेरे ऑफिस. बट जब आपके यहाँ जॉब लग जाए, क्योंकि बिना आई कार्ड की एंट्री नहीं है. तो आप दिखा दें. तो चलिए दिखाते हैं. और वहाँ जाने से पहले ये देखिए, ये सारी बिल्डिंग्स हैं, पहाड़ भी आपको दिख रहे होंगे. तो यहाँ हम लोग रहते हैं और ऑफिस ने हमें ये सब नहीं दिया है, खुद के खर्चे से, खुद के पैसों से रहते हैं. आइए आए दोस्तों. ये थोड़ा सा गार्डन वार्डन है इधर. और ये सब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे हैं, लेकिन ये टेरेस है और ये शायद कुछ 12th फ्लोर है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेरेस पर स्विमिंग पूल है, बहुत खूबसूरत पानी है. अभी थोड़ा सा सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में यहाँ पर लोग स्विमिंग करते हैं. और जो वहाँ वाली बिल्डिंग्स, आप ये बिल्डिंग्स देख सकते हैं, यहाँ का व्यू, ये ही स्विमिंग पूल है. पानी देखिए. और यहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, बातें करते हैं. तो एक तरीके से ये ब्रेकआउट स्पेस भी है. आइए और जगह चल, कुछ भी फालतू बात कर बोल जैसे तू मुझे एंटरटेन करती है दिन भर. तो मैं निमिषा को कैसे एंटरटेन करती हूँ? तो निमिषा मुझे हर सेकंड में जहाँ भी वो जाती है, हमारी जोड़ी को जय वीरू जोड़ी नाम दे दिया गया है ऑफिस की तरफ से. एंड जहाँ भी हम जाते हैं हम ऑलमोस्ट साथ जाते हैं. वॉशरूम पानी पीना हो, फुटबॉल टेबल हो, या कुछ खेलना हो, या तो फिर सिर्फ टाइम पास करना हो. अगर मैं काम भी कर रही हूँ तो ये मैडम आती है और मेरे लैपटॉप पर विंडो जेल लगा के मुझे खींच के लेके जाती है. सो ये हमारा होता है टाइम पास मोस्ट ऑफ द दस. दूसरी बात जो है कि आपने जितने भी दोस्त देखे, निमिषा कैटेगराइज की गई है एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट लोगों में. तो जितने भी दोस्त आप देख रहे हैं अभी फिलहाल निमिषा के, इंस्टाग्राम पे फॉलो ही नहीं करते तुम लोग यार, करो मुझे फॉलो. ठीक है, तो जितने भी दोस्त आप देख रहे हो निमिषा के, ये निमिषा की पर्सनालिटी के थ्रू. भाई मेरी तारीफ नहीं करनी थी, ये करना था कि हम ऑफिस में क्या क्या हरकतें करते हैं.
हमेशा ऐसी है, ये हर एक इंसान को जानती है ऑफिस में, मतलब तुम रहा चलते 10 लोगों में, 10 लोग दिखेंगे उसमें से 9 को पक्का ये हाय हेलो क्या हाल चाल है। वैसे कॉर्पोरेट मीम होते हैं ना, वेटिंग फॉर माय एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड टू से बाय टू द एंटायर यूनिवर्स, तो वो मैं हूँ। ऐसा लगता है छोटी सी जिंदगी यार, सबसे मिलते हुए चलो हाय वाय करते रहो, यू नेवर नो। कॉर्पोरेट में बहुत से लोगों का यू नो लाइफ ऐसी हो जाती है कि काम है, स्ट्रेस है, तो अगर आपकी एक मुस्कान, आपका एक हाय किसी को बेटर फील करा सकता हो, थोड़ा सा पूछने में क्या दिक्कत है कि कैसा फील कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो बस यही है हमारा दिन का रूटीन, खाते पीते रहते हैं, काम तो होता ही रहता है। और बता दो, बस यही चल रहा है लाइफ में आजकल। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेस, अगर आपको हमारी शक्ल देख के तो लगता नहीं होगा कि हमें कॉर्पोरेट स्ट्रेस होता भी होगा, हम स्ट्रेस को हम हो जाए। चलो आगे का ऑफिस दिखाते हैं आपको। Oh my God. पता नहीं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं जिसमें मैं बताती हूँ माय होम टूर, या फिर जब मेरी जॉब लगी थी, तो आपको पता चल गया होगा कि कुछ कंप्लायंस इशू के कारण मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस कंपनी में हूँ, तो आप नज़ारा से ही काम चला लीजिए। आइए और देखते हैं। क्रॉस ट्रेन, और वैसे तो मैंने अभी अभी जिम ज्वाइन कर लिया, वहाँ का व्लॉग अलग आएगा, बट ये ओपन जिम है तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी और भी अलग अलग टाइप के औजार हैं, आओ जिंदगी में चेस खेलते हैं, क्योंकि जिंदगी भी छल शह मात और एक शतरंज का खेल है। बहुत ज़्यादा फालतू बातें कर रही हूँ मैं आज। अच्छा एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि तो एक बात करनी थी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नौकरी क्या होती है, आप क्या करते हैं नौकरी में, और नौकरी क्यों की जाती है। तो नौकरी इसलिए की जाती है ताकि आपकी रोज़मर्रा का जो आपकी ज़िंदगी है उसमें आप जो भी खर्चे करते हैं, और एक नौकरी का पर्पस होता है, यू वर्क टू गेट अ लिविंग बट वर्क इज़ नॉट योर लाइफ, ये एक संदेश है और प्लीज़ टेक दिस सीरियसली। तो क्या करती है बीच बीच में, अलग अलग तरह की नौकरियाँ, अलग अलग तरह की शिफ्ट, अलग अलग तरह का रहन सहन, वेलकम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने कई ब्लॉग्स में बताया है, मैं पुणे में रहती हूँ और मैं एक फाइनेंशियल फर्म के साथ काम कर रही हूँ, और हमारा हाइब्रिड मॉडल है, 3 दिन ऑफिस जाओ 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करो। और इन सब के परे एक होता है वर्क लाइफ बैलेंस, जिस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। कि तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कैसे हैंडल कर लेती हो यूट्यूब, घर का काम, अगर आपने हाउस टूर देखा हो तो आपको पता होगा कि घर के साथ सारे काम मैं खुद करती हूँ, दोस्तों को बनाना रही है। तो ये मेरी एक फ्रेंड ही है जो ऐसे रिकॉर्ड करी है, और इसके साथ साथ मैं इतनी सीरियस बात करते हुए भी हंस लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है भाई, तो वो हंसा है। तो मैं यही बात कर रही थी कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए ये समझना कि टेक वन डे एट अ टाइम, ठीक है, आज हमें क्या करना है, डेली का एजेंडा बनाइए, नींद पूरी लीजिए, क्योंकि अगर फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो एक लेवल पे आके वो गर्म हो जाएगा। तो मशीनों से सीखिए और ये समझिए कि हम मशीन नहीं हैं। तो इतना सारा ज्ञान के साथ साथ चलो आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ नॉर्मल खा दूँ मैं, ये क्या बात हुई। तो करी निमिषा के बारे में, निमिषा को ये फैक्ट पता चला है कि मैं गाती भी हूँ, ठीक है, और इसे यकीन है ही नहीं कि मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हूँ 8 साल तक। सो ये चाहती है कि मैं गा के दिखाऊँ, आप चाहते हो कि मैं गा के दिखाऊँ? लाइव नहीं है, गा दो दीदी, गाओ 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 गाओ। बहुत फुटेज का आई है, हाँ फर्स्ट टाइम है, दिल पे मत ना बुरा गाया तो, ठीक है, उसका निमिषा की आवाज़ सुनेंगे हम। हाथ दर्द हो रहे, 2 सेकंड रुक जा। रुक जा थोड़ा, मुझे को मूड में आया, ऐसे थोड़ी होता है, मैं मूड की मैं नहीं गाऊँ, तुझे मैं शाहरुख खान की पिक्चर नहीं दिखाऊँ तब तो मूड। हाँ अच्छा बैठते भाई, इधर कोई नहीं देख रहा, अच्छा अच्छा बैठते। तो हम एक इलीगल काम कर रहे हैं यहाँ पे, घास पे बैठना अलाउड नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो हम बैठ के रेडी। तो ये गाना डेडिकेटेड है हमारे अंदर के एक छोटे बच्चे को, जो हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए और जगह रहना चाहिए, हमेशा आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए, हमेशा आपके अंदर एक छोटा बच्चा है जिसे आपको जीवित रखना चाहिए। बहुत हिंदी होगी। तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा।
छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं उड़ू चुनरिया, झूम जाऊं मैं मन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। वेरी गुड, रुक ताली बजा दे, तू खुद बजा। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो अब वीडियो का एंड करते हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन होगा क्या वीडियो था क्या नहीं, तो बेसिकली ऐसे हम लोग चाय नाश्ते के लिए आए थे, शाम हो गई, अब हमारी छुट्टी हो गई, अब हम जाएंगे घर। और ऐसा ही ये बताना चाहते हैं कि कोई भी ज़िंदगी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी फेस चल रहा हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा छोटा सा देख लेना चाहिए जिससे आप खुश रह सकें, कोई ना कोई ऐसा ढूंढ लेना चाहिए। और कोई नहीं और कोई नहीं भी हो और आप अकेले हैं तो मेरे वीडियोस देख लेने चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, इसे बोलते हैं सटली प्रमोशन। नहीं मजाक कर रही हूँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ऊर्जा, और कोई भी डाउट्स हो यार कमेंट्स में पूछो और खुश रहो। कोई एजेंडा नहीं था इस वीडियो का, ऐसे ही था कि जो है ना कि चलिए बातें करते हैं, तो आज आपको समझ आ गया कि क्या बातें करते हैं, कुछ भी बातें कर सकते हैं यार जिंदगी। हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि पूरी स्क्रिप्ट चाहिए, एजेंडा फलाना, इंट्रोडक्शन ये ठिकाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही है, अब हम घर जाएंगे और वही झाड़ू पोछा बर्तन, और फिर कल फिर ऑफिस आ जाएंगे। टेक केयर।